أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कारी महमूद साहब ने आप लोगों के सामने बहुत खूबसूरत बयान किया, उसके बाद गुंजाइश तो नहीं, कारी फैसल साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, गुंजाइश नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी हाजिरी लगाना चाहता कि मैं इनकी सफों में किसी जगह मुझे जगह मिल जाए। ये उलमा इकराम हमारे लिए रहमत होते हैं, आते हैं तो उनके साथ अल्लाह ताला की रहमतें भी आती हैं, अच्छी बातें बताते हैं। आप कुछ किस्मत है कि आप सुनते हैं। मुझे आज सबसे खूबसूरत बात जो लगी कारी फैसल साहब की कि इंशाअल्लाह ताला ये जगह जाए मिलाद है, ये जाए नमाज बनेगी, इतनी प्यारी ख्वाहिश है। मैं भी दुआ करता हूँ कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो, यही मेरी ख्वाहिश है। आप लोगों से भी कहूँगा, आप सुन रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दे, ये जाए नमाज होनी चाहिए, हम सब की अल्लाह आरजू को पूजा करें ताकि ये क़यामत तक ये जगह आबाद भी रहे, इसकी रौनकें भी रहे, आप लोग आते रहे, महफिलें सजती रहे, सरकार के दीवाने आते रहे। आप हजरात का मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे दोस्तों की तरफ से, उस्मान हफीज साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, जमील सज्जाद साहब, आबद साहब, शाहिद साहब और खसूसी तौर पे यहाँ का खादिम खुर्शीद अहमद, जो दिन रात मेहनत करके उसने इस खेमे को कायम रखा कि आपको धूप ना लगे, बारिश आए तो बारिश से बचाव हो, हर रात उखड़ जाता था, रात की तूफान ने बेइंतहा तबाही मचाई, लेकिन फिर भी देखें अल्लाह का शुक्र है, सुबह आके उसने फिर इसको सेट किया, अल्लाह ताला इसको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इसके साथ साथ ही मुर्तजा अली होता है जिसने बहुत खिदमत की है, अल्लाह पाक उसको भी अजर अजीम अता फरमाए। ये मासूम बच्चे हैं जो सुबह से इंतज़ार में होते हैं कि अंकल अभी आए नहीं, जैसे ही पहुंचता हूँ माइक ऑन हो जाता है, ये अपनी मासूम आवाज़ में जो नाते पढ़ते हैं, फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहते हैं उनकी मासूमियत पे, क्योंकि एक लफ्ज़ इधर से लेते हैं दूसरा मिसरा उधर से लेते हैं, ये इनकी मासूमियत है, लेकिन इनके दिल में जो मोहब्बत है उसको अल्लाह ही जानता है कि मोहब्बत में ये अल्फाज अदा हो रहे हैं, फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहते हैं, फर्श पे बैठे हुए भी मेरे जैसे हकीर फकीर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। तो मैं उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहले मोहल्ला का भी बहुत शुक्रिया जो आए हैं, उनका भी जो नहीं आए हैं घर में बैठे रहे उनका भी, चलो आवाज़ें तो गई ना उन तक। जिंदगी किसी का भी कुछ पता नहीं कितनी है, किसकी मुलाकात होती किसकी नहीं, ये मिल बैठने का एक जरिया अल्लाह ताला ने पाक और साफ जरिया दिया। ऐसे चेहरे हैं जो हम एक दूसरे को ना देखा ना जानते हैं, हम बैठे इकट्ठे खाना खा रहे हैं, नबी का मिलाद मना रहे हैं और उसे के नाम की न्याज खा रहे हैं, ये हमारी खुशबख्ती है। अल्लाह पाक हमें इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियों को हमारी कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे तो गुनाह इतने ज़्यादा हैं, कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हमें मांगते भी शर्म आती है, मगर मेरे मालिक
तेरी रहमतें तो इससे बेशुमार हैं, बेशुमार है। तू हमें माफ कर और आइंदा हमें इसी तरह इकट्ठे होकर नबी का मिलाद मनाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। दोस्तों से गुजारिश है, जितने भी लोग बैठे हैं, कल फिर तशरीफ़ लाए, इससे रौनक बढ़ती है, नबी पाक का जिक्र होता है, बच्चों को मालूम होता है कि लोग बैठे हैं तो क्या हो रहे हैं, जो गुजर रहे हैं वो भी अगर मानने वाले नहीं हैं तो उनके बच्चे ज़रूर सवाल करते होंगे, बाबा जी क्या हो रहा है, पापा ये क्या हो रहा है, तो क्या जवाब देते हैं कि बेटे ये जो लोग बैठे हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मिलाद मना रहे हैं और जो उनके नाम की लियाद तकसीम हो रही है। जवाब तो देना पड़ेगा ना बच्चों को। लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे यही है कि ये कैंप था इस्तकबाले सुबह आमदे रसूल, ये 12 दिन का जो था,